आप हमें इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताइए, किस तरह का म्यूजिक, क्योंकि इसका सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। करेक्ट, इस फिल्म का म्यूजिक देखिए, मेजर साहब एक नाम ऐसा है जिसमें एक सिम्फनी सुनाई देती है, जिसमें जैसा कि अब जैसे अमित जी के जो गाने इस फिल्म में बने हैं वो दूसरे गानों से बिल्कुल जुदा हैं। दूसरी फिल्मों में जैसे एक वर्ड डिफरेंट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, वी ओपनली यूज इट, डिफरेंट है, ये है वो है, आई डोंट वांट टू से इट्स डिफरेंट, लेट पीपल से इट्स डिफरेंट। दरअसल टीनू जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया मुझ में, और जब मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो जैसे मैं सब्जेक्ट सुनता जा रहा था साथ साथ में मन को इंटरप्ट करता जा रहा था, सॉरी इफ यू डोंट माइंड, एक घंटी बजी है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा कुछ चलेगा, तो रॉबिन भट्ट जी भी थे उस वक्त, बोले हाँ यार ये अच्छा है, तो ऐसे करते करते जब पूरा सब्जेक्ट ओवर हुआ तो हमारे 5 मुखड़े फाइनल हो गए थे ड्यूरिंग लिसनिंग द सब्जेक्ट। तो मेरे स्टॉक में जैसा, क्योंकि अब देखिए ना, जब एग्ज़ाम बच्चे का होता है वो रास्ते में बेशक पजल होता है कि मैं क्या आंसर दूंगा वहाँ जाके, लेकिन जब एग्जामिनेशन पेपर सामने आता है तो उसी सवाल का जवाब लिखता है वो जो सवाल सामने लिखा होता है। ऐसे ही हुआ, सब्जेक्ट सुनते वक्त मेरे जहन में अपने स्टॉक में से भी कुछ गाने निकले और फिर उसके बाद हमने दोबारा उनको प्रॉपरली बैठ के बनाया। सभी गाने मेरे हिसाब से अच्छे हैं, एक खास एक गाना नज़र लग जाएगी, अकेली ना बाजार जाया करो, नज़र लग जाएगी, माय फेवरेट। लेकिन फिर भी एक जो गाना मैंने अमित जी के लिए वो बनाया है, तेरे प्यार में मैं मदहोश रहा, मुझे बहका हुआ बादल ना समझ, मैंने भी दुनिया देखी है यार मुझे पागल ना समझ। इसकी कमाल की सिचुएशन थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे। पिक्चर में फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन लगता है सुनने में, लेकिन ऑडियो वैल्यू भी इसकी ज़रूर बहुत अच्छी होगी। प्यार किया तो निभाना इज़ अ लव थीम सॉन्ग ऑफ द फिल्म, बहुत मन से काम किया है और बड़ी मोहब्बत से, शिद्दत से तकलीफ़ें भी हुई लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए अमित जी के ऊपर भी जो गाने हैं ना इस फिल्म में, वो एक अमित जी का जो अभी एज है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ रिटायर्ड मेजर हु हैज गॉट हिज ओन, आई थिंक इट्स रिटायर्ड, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, द मेजर हैज गॉट इट्स ओन एकेडमी वेयर, जहाँ बिगड़े हुए बच्चे सब सुधारे जाते हैं, उनमें से वन ऑफ द बॉयज अजय जो चैलेंज करता है कि दुनिया को सुधारा होगा मुझे नहीं सुधार सकोगे, तो एक टिपिकल अमिताभ बच्चन जो लोग देखना चाहते थे शुरू से, वो इमेज अमित जी की इस फिल्म में सामने आती है। इस फिल्म में इतना वो इतने गुस्सा वाला करेक्टर हैं कि उनको जहन में रख के एक साउंड मुझे ऐसा लगा कि, क्योंकि जहाँ भी वो एक जगह बात कर रहे हैं, जिस जगह पे गाना है अमित जी का, वो एक लड़का है जो जिसकी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो बैसाखी से चल रहा है, उसके बोलते हैं उतारो इसको, एंड इमीडिएटली ट्राई टू वॉक, वो कैसे फिर कैसे गाना शुरू होता है, दीवाना बन तो ऐसा बन, वो ट्यून आप सुनेंगे जब रिलीज़ होगी कैसे, यू विल कम टू नो कि अमित जी के लिए अमित जी को जैसा म्यूज़िक इस फिल्म में चाहिए एग्जैक्टली ऑन द डॉट, मुझे ज़रूर लगता है, बाकी आने के बाद लोग बताएंगे। रही बात अजय जी के लिए जो म्यूज़िक बनाया और सुनाली के लिए, सो टिपिकल वेरी वेरी सॉफ्ट काइंड बट विद अ गुड विद पैपी बीट्स, अगर गाने में और उसके अल्फाजों में एक नरमाहट है तो बीट में एक बात है जो कि हिलने पर मजबूर करेगी ऑडियंस को। पर इसमें एक क्या कोई क्लब जैसे क्लब नंबर होता है ना जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रतिशत ऐसा कोई नंबर है? डेफिनेटली है, सभी मैं तो कहता हूँ सभी गाने क्लब नंबर, जब आएंगे तो सभी बजेंगे, क्योंकि एक रेगे अकेली ना बाजार जाया करो जो सॉन्ग है, अकेली ना बाजार जाया करो नज़र लग जाएगी, सबकी नज़र में ना आया करो नज़र लग जाएगी, जैसे क्लब सॉन्ग रेगे बीट है, जैसे आपने मेरा भी गाना सुना होगा हेलो हेलो बोल के, दैट काइंड ऑफ पैपी नंबर इट इज़।